दोस्तों आज हम यात्रा करेंगे पुष्कर की, जो कि जाना जाता है जगत पिता ब्रह्मा मंदिर के कारण, और जाना जाता है पुष्कर की खपड़ा फाड़ होली और पुष्कर कैमल फेयर के कारण। पुष्कर आने के लिए आपको पहले अजमेर रेलवे स्टेशन आना होगा। अजमेर रेलवे स्टेशन की सभी शहरों से अच्छी खासी कनेक्टिविटी है। रेलवे स्टेशन के बाहर आपको ऑटो में बैठकर अजमेर बस स्टैंड तक आ जाना है। बस स्टैंड से हर आधे घंटे में आपको पुष्कर के लिए बस मिल जाती है। अजमेर से पुष्कर की दूरी मात्र 15 किलोमीटर है, जो कि पहाड़ों से बीच में होकर जाती है, और अजमेर से पुष्कर के लिए 20 से 30 रुपए बस का चार्ज लग सकता है। हरी भरी सुंदर वादियों से होकर हम पुष्कर पहुँच जाते हैं। आप पूरा पुष्कर एक दिन में भी घूम सकते हो। हालांकि यहाँ पर 500 से ज्यादा मंदिर होने के कारण, पर आप चाहो तो दो दिन पुष्कर में स्टे कर पूरा पुष्कर आराम से कवर कर सकते हो, और दो दिन आपके लिए काफी रहेंगे पुष्कर घूमने के लिए। यहाँ आने से पहले आप अपने बजट के हिसाब से ऑनलाइन होटल बुक कर ले, ताकि यहाँ आने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि पुष्कर मेले और होली के टाइम पर होटल की रेट 3 गुना ज्यादा हो जाती है। सबसे पहले आप पुष्कर झील में आए और इस झील में डुबकी लगाए। कहते हैं कि इस झील में स्नान करने से सभी रोग दोष नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री राम ने अपने पिता राजा दशरथ का पिंडदान यहीं पर किया था, और महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, इन लोगों की भी हस्तियां यहीं पर विसर्जित की गई है। पौराणिक कथाओं के अनुसार पुष्कर 5 पवित्र झीलों में से एक मानी जाती है। यहाँ झील में स्वयं भगवान नारायण जल के रूप में बताए जाते हैं। बताते हैं कि स्वयं ब्रह्मा जी ने इस झील का निर्माण किया था। 54 एकड़ में फैली इस झील के कुल 52 घाट बने हुए हैं, जिनमें से मुख्य घाट ब्रह्मा घाट है और सबसे बड़ा घाट जयपुर घाट है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यहाँ पर महर्षि वेदव्यास जी ने रामायण की रचना की थी। झील में साबुन से नहाना और कपड़े धोना मना है। अब हम ब्रह्मा मंदिर की ओर जाएंगे। मंदिर सरोवर से थोड़ी दूरी पर बना हुआ है। मंदिर में जगत पिता ब्रह्मा जी और गायत्री माता विराजमान है। अगर लोगों की भीड़ ज्यादा रही तो आपको कतार में लगकर थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। वैसे नॉर्मली 15 से 20 मिनट में आपके दर्शन हो जाएंगे, और अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करना अलाउ भी नहीं है। बाकी आप कैमरा तो अंदर नहीं ले जा सकते हो, पर अपना फोन ले जा सकते हो। पद्म पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने अपने हथियार कमल के फूल से वज्र राक्षस का वध किया था। इसके बाद पुष्प की पंखुड़िया पुष्कर में 3 जगह पर आ गिरी। पुष्प यानी पुष और ब्रह्मा जी के हाथों हुआ कार्य यानी कर, इससे पुष्कर का नाम पड़ा पुष्कर। पुष्कर मंदिर में ब्रह्मा जी के दर्शन करने के बाद आप पुराने रंगनाथ मंदिर में दर्शन करें। ये मंदिर साउथ इंडियन स्टाइल में बना हुआ है, जो भगवान नारायण को समर्पित है। इसके बाद आप नया रंगनाथ मंदिर में जाकर दर्शन करें। ये मंदिर पुराने रंगनाथ मंदिर का नया स्वरूप है। पुष्कर के दक्षिण में आपको आना है। यहाँ से आप चाहो तो ऊंट वाली डोली पर सवारी करके आप सावित्री माता मंदिर के छोर तक पहुँच सकते हो। कैमल डोली के लिए ये लोग 50 रुपए पर पर्सन चार्ज करते हैं। अगर आप फैमिली के साथ में हो तो आपका 150 से 200 रुपए में काम बन जाएगा। चाहे आप 5 से 6 पर्सन क्यों ना हो, यहाँ पर आने के बाद आप चाहो तो सीढ़ियों से मंदिर तक पहुँच सकते हो। इनके लिए आपको 700 सीढ़ियाँ चढ़नी होगी। अगर आप इतनी सारी सीढ़ियाँ नहीं चढ़ना चाहते हो, इसके लिए दूसरा ऑप्शन है रोपवे। यहाँ से आप रोपवे के लिए टिकट ले ले। जाने आने के लिए 150 रुपए टिकट का चार्ज लगता है। अगर आप सिर्फ जाना चाहते हो तो आपको 90 रुपए पे करने होते हैं। रोपवे के लिए आपको काफी ज्यादा इंतजार करना पड़ सकता है। अगर आप मेरे जैसे मेले के सीजन में आए हो तो रोपवे में बैठकर आप ऊंचाइयों का आनंद लेते हुए बीच में 40 सेकंड के लिए रोपवे को रोका जाता है, ताकि आप पूरे व्यू का मजा ले सको। We'll be right back.
सावित्री माता का दर्शन करने के बाद पूरे पुष्कर को आप एकदम टॉप से देखो। काफी ज्यादा सुंदर व्यू यहाँ से दिखाई देता है और पूरा पुष्कर आप यहाँ से देख पाओगे। सब प्लेसेस के अलावा आप गायत्री माता टेंपल, जो पश्चिम में स्थित है, वाराह टेंपल भगवान विष्णु के वाराह अवतार को समर्पित है, आत्मेश्वर महादेव मंदिर, गुरुद्वारा पुष्कर, श्री पंचकुंड शिव टेंपल, यहाँ पर पांडवों ने कुछ दिनों के लिए अज्ञातवास बिताया था, आलू बाबा आश्रम, यहाँ पर आलू बाबा सिर्फ आलू खाकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इन सब जगहों पर घूमने के बाद अब बारी आती है खाने की। खाने के मामले में पुष्कर में सबसे ज्यादा क्या फेमस है? तो दोस्तों, पुष्कर में वर्ल्ड फेमस मालपुए बनते हैं और पुष्कर के मालपुए आपको 50 ग्राम 80 रुपए में मिलेंगे। आप चाहो तो इन्हें पैक करवा के अपने साथ ले जा सकते हो। यहाँ के हलवाइयों के मुताबिक 18 दिन तक मालपुए खराब नहीं होते हैं। अगर आप पुष्कर आए और मालपुओं का स्वाद नहीं चखा तो आपका पुष्कर आना व्यर्थ माना जाता है। इसीलिए दोस्तों, पुष्कर के मालपुए बिना खाए मत जाना। दोस्तों, अब बारी आती है पुष्कर मेला घूमने की। यहाँ का वर्ल्ड फेमस पुष्कर मेला ज्यादातर कैमल्स के लिए जाना जाता है। मेले में हर साल लाखों लोग आते हैं, जिनमें विदेशी सैलानियों की तो बाढ़ सी आ जाती है। यह मेला अक्टूबर के एंड से नवंबर में 7 दिनों के लिए लगता है और काफी बड़ा मेला लगता है। हिंदू धर्म के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के महीने में 5 दिन तक पुष्कर में 36 करोड़ देवी देवताओं का निवास होता है। कहते हैं कि एक दिन ब्रह्मा जी का पुष्कर में एक बड़ा हवन करने का विचार बना। उन्होंने अपने बेटे नारद जी को कहा कि अपनी माँ को यानी सावित्री माता को बुला लाओ, पर नारद मुनि जाने जाते थे इधर से उधर करने के लिए। उन्होंने सावित्री माता को कहा कि ब्रह्मा जी आपको 16 श्रृंगार करके और अपनी सखी सहेलियों के साथ हवन पूजा में बुला रहे हैं। अब सावित्री माता को श्रृंगार करने में देरी हो गई। इधर ब्रह्मा जी देरी होने के कारण क्रोधित हो गए और इंद्रदेव से कहा, हमें अभी विवाह बंधन में बंधना है। अब इंद्रदेव ने कहा, अभी के अभी एक पवित्र कन्या कहाँ से खोजी जाए। तब उन्हें एक किसान की कन्या दिखी। उस कन्या को 3 बार गौ माता से होकर पवित्र किया गया और तभी गायत्री मंत्र और गायत्री माता की उत्पत्ति हुई। ब्राह्मणों की उपस्थिति में ब्रह्मा जी का विवाह गायत्री माता से हो जाता है। देर से लौटी सावित्री माता देख क्रोधित हो जाती है और गुस्से में आकर ब्रह्मा जी को श्राप दे देती है, पूरी दुनिया में आपकी कहीं भी पूजा नहीं होगी, और विष्णु भगवान को अपनी पत्नी के साथ जंगलों में भटकने का श्राप दे देती है और इंद्रदेव को युद्ध में हमेशा पराजय होने का, और साथ ही ब्राह्मणों को भी श्राप दे दिया। फिर बाद में सावित्री माता का क्रोध शांत होने के बाद देवताओं ने समझाया, तब सावित्री माता ने सभी को दिए श्राप पर बदलाव किया, जैसे ब्रह्मा जी की पूजा सिर्फ पुष्कर में ही होगी और पुष्कर सभी तीर्थ स्थलों में से पवित्र होगा, विष्णु जी को राम अवतार मिल जाएगा,
इंद्रदेव को इंद्रलोक और ब्राह्मण सभी लोगों में विद्वान होंगे। पुष्कर घूमने के लिए सबसे बेस्ट टाइम अगस्त से सितंबर महीना बेस्ट रहेगा। बाकी आपको पुष्कर होली देखनी है तो आप मार्च में भी आ सकते हो। वैसे मॉनसून के टाइम पर यहाँ की वादियाँ खिल उठती है, वो भी एक अलग ही एक्सपीरियंस रहेगा आपके लिए। दोस्तों, ये थी हमारी पुष्कर की यात्रा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। वीडियो के रिगार्डिंग आपके जो भी सवाल है प्लीज कमेंट करके मुझे आप बताएं। और अंत तक आपने वीडियो देखा है, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।